नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बड़ी अपडेट 27 दिसंबर हो गया है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। बड़ी अपडेट पहले, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा। यूपी पुलिस भर्ती में उम्र में छूट को लेकर युवाओं ने किया कल जोरदार कई जिलों में विरोध प्रदर्शन। योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें, कई जनरल कैटेगरी के विधायकों ने भी खोला मोर्चा। रालोद ने भी डीएम कार्यालय को सौंपा ज्ञापन। दूसरी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां खड़गे ने रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट पर खर्च पर सरकार को घेरा, कहा सरकार आत्ममुग्ध और तानाशाही। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को तगड़ा झटका। मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी से मोहभंग, मिथुन चक्रवर्ती का मोहभंग हो चुका है। अमित शाह की बैठक में को दिखाया ठेगा। अगली खबर में आपको बताएंगे राजस्थान में बीजेपी सरकार ने एक और गहलोत सरकार की योजनाओं को किया बंद। मरीजों को लगा तगड़ा झटका, चिरंजीवी योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज हुआ बंद। ये भी हम आपको बताएंगे, सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां प्रियंका गांधी ने कैसे बड़ा खुलासा किया, ये भी हम आपको बताएंगे। और बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, कैसे इजरायली एयर स्ट्राइक में टॉप ईरानी कमांडर मोसावी की मौत के बाद भड़के ईरान ने युद्ध जंगे ऐलान कर दिया और कहा है कि परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार। एक एक करके आपको जान लेना, सब कुछ खबरें बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई यही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। सिपाही युवाओं ने खास करके युवाओं में उम्र में छूट को लेकर युवाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल बड़ी खबर निकल के उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती में उम्र में छूट देने की मांग तेजी से उठने लगी है। मंगलवार को युवा रालोद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का प्रदर्शन कर चीफ मिनिस्टर से सिपाही भर्ती में उम्र में छूट देने की बात कही है। आपको बता दें छात्रों ने भी जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और छात्रों के समर्थन में रालोद के भी लोग पहुंच चुके हैं और रालोद के समर्थक भी पहुंचे छात्रों के समर्थन में और उन्होंने जो है वो डीएम को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि तत्काल इस पूरे मामले में चीफ मिनिस्टर कार्रवाई करें। दरअसल आपको बता दें वर्ष 2023 में जो भर्ती निकल कर आई है इसमें खास करके 18 से 23 साल के युवाओं को ही जो है वो इसमें भर्ती कर पाएंगे, जबकि ना तो उससे एक दिन आगे ना तो उससे पीछे। तो यही कारण है कि जो खास करके कोविड-19 काल बीच में था और कहा यह जा रहा है, छात्रों को कहा जा रहा है कि 5 साल यानी 23 साल के उम्र वालों के नहीं बल्कि 25 से 26 साल यानी 2-3 साल और युवाओं की सीमा छात्रों की बढ़ाई जाए, तो इसी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को आयु छूट में सीमा बढ़ानी चाहिए, छात्रों के हक में तभी फैसला हो पाएगा। एक और अपडेट, खड़गे ने रेलवे स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट पर खर्च कर सरकार को घेरा, कहा आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट बनाने का बेतहाशा खर्च करने पर, कई राज्यों में मनरेगा फंड के अलावा सूखा और बाढ़ राहत सहायता नहीं जारी करने पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से करदाताओं के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और सरकार केवल स्किल इंडिया के नाम पर लोगों को ठग रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे किसने मोदी को तानाशाही के तौर पर बताया। एक और अपडेट, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। बंगाल में भाजपा के मिशन 35 को लेकर अमित शाह जेपी नड्डा ने की बैठक, नहीं शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती। जी हां, बिग ब्रेकिंग निकल के आई है दोस्तों, एक्टर मिथुन चक्रवर्ती मंगलवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाग लिया। हालांकि स्टार को छोड़कर के कोर कमेटी के बाकी 23 सदस्य 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों में मौजूद थे, जिसके लिए बीजेपी ने 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। बैठक से चक्रवर्ती की अनुपस्थिति पर राज्य के राजनीतिक हलकों में सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी नेताओं ने इसके लिए किसी अंतर्निहित कारण से इनकार किया है। इसके अनुसार चक्रवर्ती पिछले कुछ समय से न्यू जर्सी में केंद्रीय गृह मंत्री के कोलकाता दौरे और कोर कमेटी की बैठक तय होने से काफी पहले वो अमेरिका चले गए थे। तो यही चीजें हैं, लगातार जो है वो अपसेंट और अपसेंट की वजह से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने 35 सीटें पर जीतने का लक्ष्य रखा है। एक और अपडेट, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही जनता को लगा झटका। चिरंजीवी योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज बंद हुआ है। अभी तक जो है वो गहलोत सरकार हजारों युवाओं को भी झटका दिया था। दरअसल राजस्थान में जो है वो मजदूरों को लेकर के दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है और दरअसल निजी हॉस्पिटल संचालकों ने सीआरसीएस और चिरंजीवी योजना में मरीजों को का कैशलेस इलाज करना लगभग बंद कर दिया है। जयपुर में
दोनों योजनाओं में मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटलों में योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन वहां बढ़ती वेटिंग से मरीज सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाने में बच रहे हैं। खबरों के मुताबिक चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद मरीजों को इलाज लेने में बाधा हो रही है, जिसमें लगातार जो है वो चिरंजीवी नर्स, आपको बता दें चिरंजीवी योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरीज जो अपना इलाज करा पाते थे, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है और यही कारण है कि इस पे अब मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे एक तरीके से तगड़ा झटका है। एक और अपडेट, जनवरी से यूपी दौरे पर जा सकती हैं मायावती, लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर लेंगी जायजा, फिर इंडिया गठबंधन से बनेगी बात। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2024 के आगाज के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सक्रिय हैं। चर्चा है कि चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो जनवरी में उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू करने जा रही हैं। राज्य के दौरे ने उन्हें जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक मिलने की उम्मीदें हैं। यूपी और उत्तराखंड ऐसे दो राज्य हैं जिनकी देखरेख मायावती खुद करेंगे, जबकि अन्य राज्यों में पार्टी ने या तो प्रभारी और समन्वयक नियुक्ति कर दिया है या ऐसा करने की प्रक्रिया में है। पार्टी के एक पदाधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल इससे पार्टी को आगामी आम चुनाव के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलेगी और चुनाव के लिए उम्मीदवार भी तय होंगे। तो इस तरीके से, हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया है, इंडिया से गठबंधन के भी संकेत दे दिए हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आई है दोस्तों, जहां कुश्ती संघ को नहीं किया गया है भंग, झूठी खबर फैला रही बीजेपी, प्रियंका गांधी भड़की। सरकार द्वारा संजय सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय कुश्ती संघ WFI की नई कार्यकारिणी को लंबित करने की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार झूठ खबर फैला रही है, क्योंकि केवल उनकी गतिविधियां ही रोकी गई हैं ताकि भ्रम फैलाकर आरोपियों को बचाया जा सके। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार कुश्ती संघ को भंग करने में की झूठी खबरें फैला रही हैं। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, सिर्फ उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपियों को बचाया जा सके। ये प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है खास करके इस सरकार पर। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, स्ट्राइक में टॉप ईरानी कमांडर मौसाबी एक को मारा भड़के ईरान ने बदला लेने की खाई कसम, अपने सैनिकों को किया एक्टिव। हमास खिलाफ हर पार की लड़ाई कर रहे इजरायली सेना ने सिर्फ गाजा में ही नहीं हमास के दोस्तों को भी निशाना बना रही है। जंग का लेटेस्ट अपडेट यह है कि इजरायली सेना ने लेबनान पर जमकर स्ट्राइक की है, जिसमें ईरान का टॉप मिलिट्री कमांडर सैयद रजा मौसबी मारे जाने की खबर निकल के आई है। इजरायल के इस हमले में ईरान भड़क गया है, उन्होंने मौत का बदला लेने की भी कसम खाई है। दरअसल वही इजरायल ने मौसबी को हमास का दोस्त बताते हुए हमले को सही ठहराया है। दरअसल आपको बता दें, गाजा पर जमीनी हमले में जिस बुरी तरीके से इजरायली सेना पिट रही है, उससे बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे स्पष्ट तरीके से लग रहा है कि हमास की इस रणनीति के पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि हमास ना तो इतना प्रशिक्षित हो सकता है, ना तो इस गुरिल्ला युद्ध में उसे इस तरीके के हथियार मिल सकते हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे की बात करें, या फिर हम अगर ओवरऑल या 48 घंटे या 100 घंटे की बात करें, तो लगभग 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया हमास के लड़ाकों ने, महज गुरिल्ला युद्ध और उनके टुकड़ियों को निशाना बना बना करके, और कमांडरों सहित और लगभग 12 से 13 कमांडरों को भी मार दिया है। यही कारण है कि इजराइल 100 घंटे से वो खींच रहा था। उसने हवाई हमला लेबनान पर शुरू कर दिया, इराक में अमेरिका ने शुरू कर दिया, गाजा पट्टी में तो शुरू हुई है। ऐसे में पूरी तरीके से इजराइल खिसियाया हुआ है, क्योंकि लगातार उसके सैनिक जो है वो IDF के मारे जा रहे हैं, और इस बात से उसने ईरान पर गुस्सा निकाला तब जब लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बम बरसा रही। ताजा अटैक में इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर और सीरिया और लेबनान ऑपरेशन के प्रभारी सैयद रजा मौसबी को ही मार दिया। बताया गया कि मौसबी सीरिया में इजरायल हवाई हमले में कथित तौर पर मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, और इस पूरे मामले में जो है वो सीधे तौर पर ईरान ने खुलकर धमकी दी, और ईरान ने कहा है कि परिणाम भुगतने के लिए इजरायल तैयार रहे। इसराइल ने जानबूझ करके लेबनान गए ईरान के कमांडर को जानबूझ कर मारा है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल इसका बदला लिया जाएगा। मौसाबी की श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पहचान सीरिया के में एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में की। प्रेस टीवी के अनुसार मौसाबी कुड्स फोर्स के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी के करीबी साथी थे, जो जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। उधर इजरायली मीडिया ने मौसाबी को सुलेमानी के बाद सबसे बड़ा टारगेट बताया है। इस बीच ईरान ने मौसाबी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। प्रेस टीवी पर
पढ़े गए एक बयान में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि निसंदेह क्रूर जवानी शासन को इस पर अपराध का दंड भुगतना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने चेतावनी दी है और एक तरीके से ईरान और इजराइल में युद्ध भड़कता दिखाई दे रहा है। इधर बात करें हम तो आईआरजीसी के जो तमाम सैनिक हैं ईरान के, वो अपनी पूरी पोजीशन लेना शुरू कर दिए हैं और इजराइल के ठिकानों पर अटैक करने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगली एक और अपडेट निकल के आई, हमास से लंबा चलेगा युद्ध, इजराइल के पीएम नेतन्याहू के संघर्ष विराम के अटकलों को किया खारिज। आप समझिए, अब इधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने आखिरकार फिर से एक तरीके से लंबा युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं। इजराइल हमास जंग खत्म होने की अफवाहों पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने मीडिया की झूठी अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा कि उनकी सरकार हमास के खिलाफ लड़ाई रोक सकती है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किराया सैन्य अड्डे पर एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने अपनी लिक्विड पार्टी के सांसदों से कहा है कि हम रुक नहीं रहे हैं, हम लड़ना जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में हम लड़ाई तेज करेंगे और ये लंबी चलेगी। उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि लड़ाई खत्म होने के करीब नहीं है। तो सीधे तौर पर ये चीजें जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बेंजामिन नेतन्याहू दे रहे थे भाषण, तभी बंधकों के घर वालों ने जमकर किया हंगामा, रोका और कह दी चुभने वाली बातें। जोरदार हंगामा हुआ, आखिरकार आरंभ में बचाकर भागना पड़ा नेतन्याहू को। दरअसल गजा में इजरायली सेना IDF और हमास के लड़ाकों के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू की सेना हमास पर कहर बनकर टूट रही है। इजरायली नेतन्याहू की सेना पर हमास कहर बनकर टूट रही है। इसी बीच सोमवार को विशेष संसदीय सत्र के दौरान नेतन्याहू ने बंधकों के परिजनों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने उन परिवारों से ऐसा कुछ कहा कि वो बंधक भड़क गए, पीएम को बीच में ही टोकते हुए नारेबाजी करने लगे। लोगों ने नेतन्याहू को ऐसी बात कही थी जिससे वह और उनके संसदीय साथी भी हैरान रह गए और जमकर हंगामा किया। उठ करके जो वो बेंजामिन नेतन्याहू को रोकने टोकने लगे और एक तरीके से आक्रामक हो गए जो वहां के लोग थे, जिसके बाद पुलिस फोर्स के लोग उनको बाहर निकाला। हालांकि धीरे धीरे जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को बाहर निकाल कर भी ले जाना पड़ा। तो ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हुए इजराइल के पीएम के लिए। अगली एक और अपडेट आपको बता दें, जहां आखिर गजा के हमलों के बीच गजा पट्टी में पिट रहे इजरायली सैनिक, लाल सागर में पिट रहे अमेरिका के सैनिक। इस बीच जो है वो अमेरिका ने एक और मोर्चा खोला, इराक में कर दिया ताबड़तोड़ हमला। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों के बीच अमेरिका ने भी क्रिसमस के मौके पर नया मोर्चा खोल दिया और अमेरिका ने इराक में 3 जगहों पर हवाई हमले किए। इन जगहों का इस्तेमाल ईरान समर्थक फोर्स कर रही थी। इनमें से एक ठिकानों पर हिजबुल्ला के लड़ाके भी जमे थे। इससे पहले अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया था जिसमें 3 सैनिक घायल हुए थे और उसी का बदला लेते हुए अमेरिका ने यह कार्रवाई की है। हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है कि यह जरूरी और सही कार्रवाई थी। ऑस्टिन ने एक्स पर हमले की जानकारी देते हुए लिखा है कि जो बाइडन के आदेश पर अमेरिका ने हिजबुल्ला और उससे जुड़े समूहों के एक इराक स्थित 3 ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान समर्थित उग्रवादी संगठनों ने इनको इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किए थे और ये हमले उसका ही जवाब बताया गया है। तो लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर यह अटैक बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। 3 तरफ से हमले, हौती, हिजबुल्ला और हमास के हमलों से इजराइल जहां एक तरीके से इजराइल को लग रहा है कि भैया हमें बचाव वाली स्थिति, एक डिफेंडेड मोड में जिस तरीके से आए हैं, उसके बाद उन्होंने तगड़ा झटका लगा और यही कारण है कि अमेरिका भी बीच बीच में ऐसे हमले करके एक तरीके से आक्रामकता को रोकने का काम करता है। एक और अपडेट, इजरायली सेना की सबसे बड़ी और मजबूत सैन्य ब्रिगेड गोलानी ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ को उनके पद से हटा दिया गया। सुजाया में मुजाहिदीन द्वारा गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों की हत्या के बाद इजरायली सेना के कमांडर को उनके पद से हटा दिया गया। गोलानी ब्रिगेड ने गाजा, संसद, सुप्रीम कोर्ट और हमास के सैन्य मुख्यालय को उड़ा दिया। सिजैया में गोलानी ब्रिगेड के 20 से अधिक सैन्य अधिकारी और कमांडर मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं। सिजैया में सबसे बुरी हार के बाद गोलानी ब्रिगेड को गाजा के से इजराइल वापस बुला लिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां इजरायली सेना की सबसे बड़ी और मजबूत सैन्य ब्रिगेड गोलानी ब्रिगेड के कमांडर जो है वो फिलहाल उनको हटाया इसीलिए गया है क्योंकि लगातार हमने आपको बता रहे हैं कि पिछले 100 घंटे में ताबड़तोड़ मौतें इजरायली सैनिकों की, जो कि रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं। और गोलानी ब्रिगेड से तो इजरायली सैनिक छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। इसी वजह से सैनिकों की हत्या के बाद इजरायली सेना अपने कमांडर को ही बदलने लगा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां
बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। आखिरकार नई पार्टी बेटा कैंडिडेट इस्लामिक पाकिस्तान को लेकर बड़े वादे, हाफिज सईद के चुनावी सपने। पाकिस्तान में फरवरी 2024 में आम चुनाव, एक बार फिर से चुनावी मुकाबले में हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी मैदान में है। उसने देश भर में प्रत्येक राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। हाफिज ने अपने बेटे तलहा सईद को भी उम्मीदवार बनाया है। वो लाहौर से चुनाव लड़ रहा है। इतना ही नहीं, हाफिज से जुड़ा संगठन पाकिस्तान की जनता को बरगलाने के लिए सियासी एजेंडा लेकर आया है। उसकी पार्टी चुनाव में इस्लामिक स्टेट का सपना दिखा रही है। हालांकि उनकी बातों और दावों का भरोसा करने वाले कितने लोग हैं, ये चुनावी नतीजों के बाद साफ हो सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार रोजगार चाहते हैं। आपको बता दें, हाफिज मोहम्मद सईद मुंबई में 26/11 हम लोग के मास्टरमाइंड हैं।